नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव दुष्यंत राणा के नेतृत्व में धामपुर तहसील प्रांगण में भारत सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव को सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। दुष्यंत राणा ने बताया, 13 महीने से दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने वहां हुई किसानों की मौत के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। वहीं किसान नेता राजेंद्र सिंह ने कहा, धामपुर उपजिलाधिकारी किसानों की बात को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा, यदि किसानों की समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो उपजिलाधिकारी कार्यालय में किसान बिस्तर लेकर वहीं पर अपना डेरा डाल देंगे और भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर दुष्यंत राणा, संजीव कुमार, लोकेंद्र सिंह, विपिन कुमार, अमर प्रकाश शर्मा, अनुज चौधरी, दिनेश शेखावत, देवराज सिंह, हरपाल सिंह, जाकिर हुसैन, महेश यादव, नेपाल सिंह, रिंकू राठी, अरविंद कुमार, दलजीत सिंह, इंद्रवीर सिंह, यशपाल सिंह, कविराज आदि लोग मौजूद रहे। धामपुर से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री ने फिर झूठ हमसे वायदा कर लिया और ये वादा खिलाफी के सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आज पूरे भारत में तहसीलों पे, जिला मुख्यालयों पे ये जो है एक ज्ञापन दिया जाएगा सरकार की वादा खिलाफी का। देखो, सरकार झूठ की राजनीति शुरू से करती चली आ रही है। भारत सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सिवाय झूठ के अलावा किसान को इन्होंने कुछ भी देने का काम नहीं करा और इन नालायक को कोई भी शर्म नहीं आई कि 13 महीने तक किसान सर्दी में, पाले में, बरसात में सड़क पे पड़े और इस गुंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करा, लेकिन फिर भी अधूरी जागी। जागी तो सही लेकिन अधूरी जागी, और ये जागने का काम भी वोट के लालच में कर लिया शायद, मुझे तो ये लग रहा। क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने झूठ मूठ किसानों से गलती मानी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होने का, जो किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए उनके बारे में 2 शब्द कहे नहीं। तो ये सब लालच का मामला है। लालच में वशीभूत आके प्रधानमंत्री ने किसानों से तो माफी मांग ली, लेकिन जो किसान शहीद हुए आंदोलन में उनके बारे में 2 शब्द कहने की हिम्मत प्रधानमंत्री आज तक नहीं जुटा पाए। आप बढ़िया करके इस लाइन को, जब से ये एसडीएम महोदय आए हैं केवल ज्ञापन लेने का काम में भी ये जो चतुराई बरत रहे हैं, कभी ज्ञापन लेने में भी समय पर हाजिर नहीं होते, कभी कहीं बता दे, कभी कहीं बता दे, और समाधान तो आज तक किसी का होया ही नहीं। तो मैं आपके माध्यम से एसडीएम साहब को, यहां के प्रशासन को ये चेताना चाहता हूं, जो 3 मीटिंग हमारी इन एसडीएम साहब के सामने हो गई, एक ज्ञापन का जवाब आज तक नहीं दिया हमें, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें मजबूर होना पड़ेगा एसडीएम साहब के ऑफिस में बिस्तर लेकर पढ़ने का। हम बाध्य होंगे बिस्तर लेके एसडीएम के दफ्तर में निवास करेगी भारतीय किसान यूनियन की टीम। अगर इन समस्याओं का समाधान यहाँ का एसडीएम नहीं कर सकता तो यहाँ बैठने का एसडीएम का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ एसडीएम की कुर्सी में किसान बैठेगा। ये समस्या एक एसडीएम से संबंधित है। चक्रोड़ों के मामले चल रहे हैं जहां तहां, ये चक्रोड़ मौके पर चल रही है लेकिन अभिलेखों में दर्ज नहीं है, अभिलेखों में दर्ज नहीं करी जा रही। क्या नाम है आपका? दुष्यंत राणा, जिला महासचिव। दुष्यंत जी, आए तहसील धामपुर के प्रांगण में धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, क्या है पूरा मामला? आज संयुक्त मोर्चा की तरफ से, संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन एवं संयुक्त मोर्चा सभी जो किसान यूनियन हैं उनके माध्यम से जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन 13 महीने चले, उसमें जो धरना समाप्ति पर किसानों से जो सरकार ने वायदे किए उस पर सरकार खरी नहीं उतर रही, आज तक कोई वायदा पूरा नहीं किया।
लगभग हमारे 750 किसान शहीद हुए उस धरने प्रदर्शन में, और उन्हें भी मुआवजे देने की बात की गई थी, MSP पे कानून बनाने की बात करी गई थी। ये कोई भी वायदा सरकार ने पूरा नहीं किया। इसी संदर्भ में संयुक्त मोर्चे की तरफ से आज धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम है। दुष्यंत जी, विधानसभा क्षेत्र का चुनाव भी चल रहा है, तो क्या ऐसे में किसान भाजपा का विरोध करेंगे जनपद में? हम किसी पार्टी का विरोध और समर्थन नहीं करते। हम भारतीय किसान यूनियन के आदमी हैं, कार्यकर्ता हैं। हमें तो बस किसानों को एक बात समझानी है कि अपना सोच समझ के मध्य 13 महीने का ध्यान रखें, जो हमने धरना प्रदर्शन करा और हमें जो यातनाएं झेलने को मिली उसका ध्यान रखते हम सब वोट करेंगे। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।